ओके, तो अवध विश्वविद्यालय से संबंधित सभी के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है और मात्र अब शेष जो है वो 2 दिन बचे हैं। तो क्या आप अभी तक फॉर्म ऑनलाइन करा चुके हैं या नहीं करा चुके हैं? नहीं करा चुके हैं तो जल्द से जल्द आप ऑनलाइन करा लीजिए, ठीक है, परीक्षा फॉर्म। और अब बात आती है परीक्षा फॉर्म के साथ साथ क्या क्या लगेगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, जिस भी कोर्स में आप हैं उसके 1 साल पहले की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर में है तो हाई स्कूल इंटर की, सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड प्लस फोटो और जो भी पेंडिंग आपके शुल्क हैं, एग्जामिनेशन शुल्क है या जो भी आपका ट्यूशन फीस है, वो आपके कॉलेज में इसी समय सबमिट हो रहा है और लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी है। तो 20 फरवरी तक अवध विश्वविद्यालय संबंधित बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन हो रहे हैं अवध विश्वविद्यालय के, तो 20 तक चलेगा। अब सवाल उठता है क्या 20 के बाद फॉर्म नहीं जमा होगा या फॉर्म नहीं भरा जाएगा? तो 20 के बाद तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, लेकिन फॉर्म कॉलेज में जमा हो सकता है 21 तारीख तक और 22 तारीख तक भी जमा हो सकता है अगर कॉलेज चाहे तो। तो अगर आप 20 को रात में भी अगर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लेते हैं तो 21-22 तारीख को आप कॉलेज पहुंचकर अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात बताते चलें कि ऑनलाइन करने के बाद आपको परीक्षा फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो सबमिट नहीं करेंगे वो फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा और आपका प्रवेश पत्र नहीं आएगा, पूरा 1 साल बेकार हो जाएगा, ठीक। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाख लाख धन्यवाद और वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। अभी और भी काफ़ी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये तो रही कि 20 फरवरी की जो बातें थी, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है कि क्या अभी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उम्मीद ये है कि 20 फरवरी के बाद डेट बढ़ेगी, लेकिन एक समस्या है। अब यहाँ पे विचार ये नहीं समझ में आ रहा है या जो भी कुछ है, आप ये समझ लीजिए क्लैरिटी नहीं आ रही है कि डेट तो बढ़ेगी ये सियोरिटी है, लेकिन लेट फीस के साथ बढ़ेगी या विदाउट लेट फीस बढ़ेगी। अगर लेट फीस लगेगा तो 150 से लेकर 350 रुपये तक लेट फीस लगता है, ठीक है, प्रति कैंडिडेट, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अभी बैक पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीद ये है कि बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जो लोग नहीं भरा पाए हैं, कुछ लोग पैसे की वजह से फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं, पैनिक ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 20 तक जमा कर दें, अन्यथा आप वेट करें, 1 हफ्ते का समय और मिलेगा आपको निश्चित तौर पे, ठीक है। आप परीक्षा फॉर्म जरूर आवेदन करें और कोई असुविधा है तो आप अपने कॉलेज में ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जो लोग हमारे कॉलेज से हैं एक बार कॉलेज ज़रूर विजिट कर लीजिए। कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के लिए तैयारी शुरू हो रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी के लिए प्रयोगात्मक फाइल बन रही है, अपने टीचर से मिल लीजिए, फाइल ले लीजिए, उसको आप कंप्लीट करिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए। और सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि सभी दुकानों पर अवध सीरीज आ चुके हैं, आप लोग सीरीज ले लीजिए, आराम से मेहनत करके पढ़िए और अच्छा सा स्कोर करिए, अच्छा सा भारत का निर्माण करिए, अपना भविष्य बनाइए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज़ सी यू एंड टाटा।